28 30 साल उम्र, 25 30 हजार रुपए से व्यापार शुरू किया। सोचा मैं भी कामयाब हो जाऊंगा, मैं भी बड़ा सेठ बन जाऊंगा, बाबा के दरबार में मैं भी सच धज के जाया करूंगा। लेकिन एक इस यार पे भरोसा करके शुरू किया व्यापार, एक अपने दोस्तों पे भरोसा करके शुरू किया व्यापार। उन दोस्तों ने माल मंगाया उधार में, लेकिन किसी ने पेमेंट नहीं किया, उन्होंने भी धोखा दे दिया। उसको लगा इन दोस्तों ने भी धोखा दिया है, एक उस यार से पूछ के आता हूं कि मेरे इन यारों ने मुझे धोखा क्यों दिया है। आखिरी के जेब में 250 रुपए बच गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ा था, टैक्सी वाले को पूछा कितने पैसे लगेंगे मेरे घर जाने के, बोला 250 रुपए। और दिल्ली से रिंगस की ट्रेन की टिकट पूछी तो 250 रुपए। अपने पिताजी को फोन कर दिया, बोले पापा जिस तरह मां को बताने की जरूरत नहीं होती ना हमें भूख लगी है, उसी तरह बाप को बताने की जरूरत नहीं होती हमें चाहिए क्या, उसको पता होता है ये क्यों परेशान है। जैसे ही उसने बोला पिताजी, पिताजी समझ गए बच्चा परेशान है। बोला हाँ बेटा। बोला पिताजी मैं 2 दिन के लिए खाटू जा रहा हूं। पिताजी बोले क्या हुआ? बोला पापा हारा हुआ महसूस कर रहा हूं पर मैं हारा नहीं हूं, हारा हुआ महसूस कर रहा हूं पर मैं हारा नहीं हूं, मेरा साथी खाटू वाला है, मैं बेसहारा नहीं हूं। मैं उससे पूछना चाहता हूं कि वो सारी दुनिया को कामयाब करता है, मुझे क्यों नहीं किया उसने। मेरे युवा भाइयों, अगर आप कामयाब हैं तो ये भजन उसके लिए गाना जो आपका भाई कामयाब नहीं है। कर भला तो हो भला, जरूरी नहीं है कि महलों में रहने वाला ही खुश है, बाहर जो गोलगप्पे बेच रहा है ना उससे भी अमीर आदमी दुनिया में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास संतुष्टि है। पूरे रास्ते भूखा प्यासा रहा, किसी से पानी तक नहीं मांगा, रिंगस पहुंच गया। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, जयपुर से 90 किलोमीटर दूर रिंगस जगह पड़ती है, और रिंगस से खाटू श्याम जी 17 किलोमीटर। रिंगस पहुंच गया, रिंगस में जीप वाले आवाज लगा रहे थे खाटू 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 बैठ जाओ खाटू श्याम जी। उसको लगा कोई व्यवस्था होगी, ले जाते होंगे, जाके जीप में बैठ गया। बैठते ही जीप वाले ने 100 रुपए मांग लिए। पूरे रास्ते प्यासा रहा भूखा रहा, किसी से कुछ नहीं मांगा तो अब कैसे उधार कर लेता। बाबा को कहने लगा बाबा इतनी परीक्षा भी ठीक नहीं है, मैं सब कुछ हार के आया हूं, और मैंने सुना है दुनिया में एक ही दरवाजा है जहां लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा, और मैं तेरे लिए 250 किलोमीटर चल के आ गया, अब तुझे मेरे लिए 17 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा। बाबा आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के लेने आया रिंगस के उस मोड़ पे, ये बाबा लेने आता है। आपको क्या लगता है 3-3 महीने 6-6 महीने बाद खाटू जाते हो तो वो देरी से बुलाता है? नहीं, 6 महीने बाद उसका भी दिल लगना बंद हो जाता है, वो आगरा आपको लेने आ जाता है कि चल खाटू आ जा। आपको लगता होगा, आपको लगता होगा बाबा बुलाता नहीं है, बाबा का दिल नहीं लगता भक्तों के बिना। मेरी बात को याद रखना,
बाबा को कभी इस बात पे मत कोसना कि मुझे तू बुलाता नहीं है। जितना दिल आपका रोता है उससे मिलने के लिए, उससे कई ज्यादा दिल उसका दुखता है आपसे मिलने के लिए, जब वो मिल नहीं पाता सहारा। आओ बाबा के दरबार में इस भजन को गा देना। सच कहता हूँ, कामयाबी आपके पीछे पीछे घूमेगी कि भाई तेरा पता बता, मैं तेरे घर पे आना चाहता हूँ। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। खाटू इसलिए आया कि मुझे किसी ने कहा था निशान चढ़ा के आना तेरी बात बन जाएगी। मैंने वो हर काम किया जो मुझे किसी ने समझाया, लेकिन जिन पर किया भरोसा मैंने छोड़ गए वो रोड पे। ये शब्द नहीं है, ये चमत्कारी शब्द है जो बोलने जा रहा हूं। मेरे जीवन में मैंने ये लाइन गाई उसी रात को मेरी कलम ने लिखा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाए। इस लाइन के बाद इस लाइन को आप भी गाना। तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे तू, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे दिखा दे। हाथ जोड़ लेना दरबार में, हाथ जोड़कर बैठ जा। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के, लेने आएगा। लेकिन सच्चाई सुनिए, वो शबरी अयोध्या नहीं गई थी, राम शबरी के पास आए थे।
वो खेवट नहीं गया था राम के पास कि आओ मैं तुम्हें पार लगा के आता हूं। राम गए थे खेवट के पास और हम भूल गए क्या? सुनते ही दौड़े चले आए, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया कौन है ये? कौन है ये? मेरी बात पे ये दर्शन देने आए हैं आपको, जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे बता मेरे यार सुदामा ने। महलों में जाने की कर लो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। अयोध्या अयोध्या करती है आवाज, हाथ से कर मंदिर
मुझको है विश्वास, मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। मुझको है विश्वास, मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। और ये अगली लाइन हमारे बाबा जी के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए। तुझ पे भरोसा करने वाला यूपी में ना हारे। सनातन हारेगा साथ। अपना बना लो इस मित्तल को, अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल से जोड़ के। और एक बात बताऊं, अगर खाटू जाकर मंदिर के अंदर अगर आपको याद आ जाए ना कि आपको चाहिए क्या, तो इसके समझना आप भिखारी हो। और खाटू के अंदर अगर आपको बाबा को देखते ही सब कुछ भूल जाओ, तो समझ लेना आप पुजारी हो। किस किस को याद नहीं रहता मंदिर में जाते ही। मैं ना जानूं पुजारी चल इतना बाबा जान लिया। मैं ना जानूं पुजारी चल बाबा जान लिया। तू ही दौलत, तू ही शोहरत, सब कुछ तुझको मान लिया। तू ही दौलत, तू ही शोहरत, सब कुछ तुझको। देखे खड़े मत होना प्लीज, मैं यहाँ गाना चाहता हूँ लेकिन आप गाने नहीं दे। बैठेंगे तो मैं यहाँ खड़ा होकर गा दूंगा। मैं ना जानूं पुजारी चले इतना बाबा जान लिया। मैं ना जानूं पुजारी चले बाबा जान लिया। तू ही दौलत, तू ही शोहरत, सब कुछ तुझको। लेके गाना अपना अपना नाम, कहां पे मित्तल की जगह अपना नाम ले लेना। अपना बना लो इस मित्तल को, अपना बना लो इस मित्तल को, दिल को दिल